आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस की। इसकी वजह क्या है, वेदर कंडीशंस और हेक्टिक लाइफस्टाइल। और इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पार्लर जाते हैं और महंगी से महंगी ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन कभी ये सोचते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? आपको पता है सबसे आसान तरीका आपके किचन में ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जो उसको इस्तेमाल करके आप अपने बालों का खास ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो नुस्खा दिखाऊंगी आपको जो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, प्याज का रस। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, इसको चार हिस्सों में इस तरह से काट लीजिए। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरह से आपको ग्राइंड करना है। अब हम इसका रस निकालेंगे कैसे, छन्नी में इसको डालिए और चम्मच से दबा के कटोरी में निकाल लीजिए। रस निकल गया है, अब कॉटन बॉल से इसे बालों की जड़ों में इस तरह से लगाइए। आप इसे हफ्ते में एक से दो बार लगा सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है, इससे आपका डैंड्रफ और बाल का झड़ना कंट्रोल हो जाएगा। अब नुस्खा नंबर दो की बारी है, बेसन और दही। एक बोल में बेसन और दही ले लीजिए। मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लिया है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ आपको वैसे ही मिक्स करना है। अब जैसे ये मिक्स हो गया है, अब इसे आप इस तरह से अपने बालों की जड़ों में लगाइए। बालों की जड़ों में आपने लगा लिया है, उसके बाद जरा जरा से बाल लेकर और आप इसे बिल्कुल एंड तक भी अच्छे से लगा सकते हैं। इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा आपके बालों में शाइन भी आ जाएगा। अब है बारी नुस्खा नंबर तीन की, जो है केला और नींबू। इसके लिए मैंने एक केला और एक नींबू लिया है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। केले को छील लीजिए और ऐसे मैश कर लीजिए। नींबू को भी दो हिस्सों में काट लीजिए। अब नींबू का रस निकालेंगे और केले के साथ मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गया है, अब इसे आप इस तरह से अपने बालों की जड़ों में लगाइए और फिर एंड्स तक भी लगाइएगा। केला और नींबू दोनों ही बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इससे बाल शाइनी भी हो जाते हैं, डैंड्रफ की शिकायत भी नहीं होती है और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। देखा आपने, किचन में मौजूद सामान से ही मैंने आपको अपनी दादी और नानी के घरेलू नुस्खे बनाकर दिखाए। इसे ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।